इराक एक हंसता खेलता देश जिसको कुछ लोगों ने मिलकर तबाह कर दिया। आइए जानते हैं इराक से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। नंबर वन, एक वक्त था जब इराक पूरे अरब के सबसे अच्छे कॉलेज और स्कूल हुआ करते थे, लेकिन साल 1991 के बाद इस पर बहुत ही बुरा असर पड़ा और आज के टाइम में सिर्फ 40% इराक के रहने वाले लोग लिख पढ़ सकते हैं। नंबर टू, साल 2003 तक इराक के लोग काफ़ी खुशहाल रहा करते थे, लेकिन साल 2003 में अमेरिका और उसके सहयोगी ने यह इल्ज़ाम लगाया कि इराक के पास वेपर ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जिसका इस्तेमाल इराक टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। हालांकि बाद में विकीलीक्स ने सारे डॉक्यूमेंट लीक कर दिया कि ये सारा खेल सिर्फ एक ड्रामा था इराक से सद्दाम हुसैन की हुकूमत छीनने के लिए। नंबर थ्री, साल 2003 में अमेरिका की अगुवाई में 35 देशों ने इराक पर हमला कर दिया। जहां एक तरफ इराक अकेला था, वहीं दूसरी तरफ 35 देश थे, जिनमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के तकरीबन 2.5 लाख फोर्स, ग्रेट ब्रिटेन के तकरीबन 40,000 फोर्स और ऑस्ट्रेलिया के तकरीबन 2,000 फोर्स थे। इसके अलावा बाकी के देश भी इन सब को मदद कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी देश थे जैसे फ्रांस, जर्मनी वगैरह, जिन्होंने इस लड़ाई में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का साथ देने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें डाउट था कि ये सब अमेरिका का गेम प्लान है। नंबर फोर, 15 जनवरी 2003 को पूरी दुनिया के तकरीबन 1 करोड़ लोगों ने अमेरिका के इस प्लान की मुखालफत कर रहे थे। इन लोगों की अच्छी खासी तादाद खुद अमेरिका से थी, इसके अलावा ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और दूसरे देशों के लोग भी शामिल थे। नंबर फाइव, पिछले तकरीबन 5,000 सालों से इराक के रहने वाले लोगों का सबसे पसंदीदा फूड शहद ही हुआ करता था और ये एक इनकम का जरिया भी है। नंबर सिक्स, साल 762 ईस्वी में इराक का शहर बगदाद इस्लामिक अम्पायर का कैपिटल बना, जिसकी वजह से इसे कल्चरल और एजुकेशन का सेंटर बनाया गया। यहाँ पर हाउस ऑफ विजडम भी बनाया गया। उस वक्त बगदाद पूरी दुनिया में एजुकेशन का सेंटर माना जाने लगा और धीरे धीरे एक बहुत ही खूबसूरत सा शहर बन गया। नंबर सेवन, अगर हम बात करें इराक के कुल ज़मीन की, तो इसका एरिया तकरीबन 438,317 स्क्वायर माइल है, जितना बड़ा कैलिफोर्निया है। यह अपनी सीमा 6 देशों के साथ शेयर करता है, ईरान, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, सीरिया और तुर्की के साथ। वहीं दूसरी तरफ इराक की पॉपुलेशन साल 2011 के सेंसस के मुताबिक लगभग 3,40,00,000 है। नंबर एट, अरेबिक और कुर्दिश इराक की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जबकि यहाँ पर इंसानों की लाइफ औसतन 70 साल की होती है। वहीं दूसरी तरफ खजूर के प्रोडक्शन के मामले में इराक दुनिया की टॉप 3 देशों में आता है। नंबर नाइन, दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज इराक में ही बनाई गई थी, जिसमें तकरीबन 600 सिंबल होते थे, जिसे इस्तेमाल करके लोग लेटर वगैरह लिख लिया करते थे। इस लैंग्वेज में कोई भी अल्फाबेट नहीं हुआ करता था। नंबर टेन, इराक दुनिया का एक ऐसा देश है जिसने इंसानियत को बहुत कुछ दिया, जैसे दुनिया का सबसे पहला स्कूल इराक में ही बना था। इसके अलावा व्हील यानी पहिया की खोज भी इराक में ही हुई थी और बहुत सी चीज़ें, जैसे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड, ये कॉन्सेप्ट भी दुनिया को इराक ने ही सिखाया। दुनिया का सबसे पहला कैलेंडर, सबसे पहला मैप, लिखने का तरीका वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इराक ने ही दुनिया को दिया। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।